आज की वीडियो के अंदर हम जिस बंदे की बात करने जा रहे हैं, लोग उसे प्यार से माइटी राजू नाम से बुलाते हैं, उर्फ रजत दलाल। ओजी को पुराने टाइम में ओरिजिनल गैंगस्टर कहते थे, पर आजकल ओजी को ऑनलाइन गैंगस्टर कहते हैं। और अगर आप WWE या गली के कुत्तों को देखकर लड़ते हुए बोर हो चुके हो तो क्यों ना आप इंस्टाग्राम ओपन कीजिए और सर्च कीजिए @RajatDalal और उस बंदे की स्टोरी देख लीजिए, क्योंकि हर किसी दिन तो वो कॉन्ट्रोवर्सियां करके बैठ जाता है हर किसी बंदे के साथ। नॉर्मल सी बात हो चुकी है अब तो, आपको लगता नहीं है कि भाई कॉन्ट्रोवर्सी कोई बड़ी चीज है, क्योंकि आए दिन कॉन्ट्रोवर्सियों की शुरुआत होती रहती है इस बंदे से। इतना तो मेरा दोस्त भी अपनी सहेली को नहीं बुलाता लोकेशनों पे जितना ये बंदा लोकेशनों पे लोगों को बुला लेता है कि आजो भाई यहाँ पे आके लड़ लेते हैं हम लोग। हाँ जी भाई जान, मैं यहाँ पे लोकेशन पे आ जाओ और मुझे यहाँ पर आके OTP दे जाओ। क्या यार, इतने तो BBC न्यूज वाले भी अपने चैनल पे अपडेट नहीं देते होंगे जितना ये बंदा हर दिन अपनी स्टोरीज पे अपडेट देता रहता है कॉन्ट्रोवर्सी। और अगर कभी कुछ करने को ना मिले तो ये बंदा किसी रेस्टोरेंट में जाकर बंदे को गालियां निकाल आता, और अगर यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देख लीजिए। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। किसकी? वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। हाँ भाई, यही तो कंटेंट रह चुका है आजकल इन लोगों का, तो बहुत सही है यार। पहले लड़ लो अच्छे भले, एक दूसरे को गालियां दे दो स्टोरीज पे, सारी ऑडियंस को बस एकदम उनका दिमाग फाड़ दो कि भाई ये लड़ क्यों रहे हैं, और बाद में आके एक लाइव पे आकर गले मिल लेते हैं कि हाँ भाई सॉरी, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम इसके पीछे लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे। यार भाई अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो ना, दो दो हाथ हो जाओ भाई, बाल बूल पकड़ो एक दूसरे के, मारो। हम तो एक्साइटेड है ये चीज देखने के लिए, पर नहीं ये लोग लड़ते नहीं है, ये बस रीच के लिए करते हैं जो करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम मासूम बेचारे, हम रह जाते हैं हर बार ऐसे ही, है ना। क्या पता ये वीडियो देख कर रजत दलाल भुवन मल्होत्रा को फोन कर दे, ओ भाई यहाँ लोकेशन पे आ जा, मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी आई एम वेरी इनोसेंट एंड शरीफ बच्चा, मैं लड़ाइयों से दूर रहता हूँ। और अगर आप लोगों की भी रीच कम हो चुकी है तो इस बंदे के साथ कोलैब कर ले, मेरा मतलब कॉन्ट्रोवर्सी कर ले। वैसे रजत भाई मेरे चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, तो मेरे को DM कर लेना, ठीक है ना, बैठ के बात कर लेते हैं। ये बंदा तो भाई किसी लड़के को कूटने चल जाता है, मतलब उसने एक बंदे ने रील डाली थी पहले, अभी ये रील देख लो फिर बात करते हैं। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मैंने अपनी माँ जी। तो आपने ये रील देख ली, जैसे कि ये लड़का है सिर्फ 18 साल का, और इस बंदे के साथ इस रजत दलाल ने बहुत गलत किया, मतलब उसे गालियां बुलवाई अपनी मम्मा के बारे में। ये भाई वो लड़का कभी अपनी माँ के सामने नजर उठा के देख भी नहीं सकता। हाँ फिर उसके बाद रजत दलाल को जेल भी हुई थी, थोड़े दिन जेलों की हवा खाई थी उसने, मजा ही आ गया था फिर उसको शायद से, है ना। नितिश सोनी जी ने बस एक रील डाली थी जिसके ऊपर उन्होंने बोला था कि अगर तुम मर दो तो उसे जाके मतलब ऐसे गाली बदले के उसे सॉरी बोल दो, पता नहीं ऐसी कुछ व्हाटएवर ऐसी रील थी, ठीक है। तो रजत भाई ने क्या किया, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई अपने फोन की और उनको DM में जाकर गालियां बक दी और भी बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट डे नितिश सोनी जी ने लाइव आकर पता नहीं एक्सप्लेन किया कुछ, मेरे को नहीं पता, पर उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया था कि भाई मेरे को नहीं लड़ना ये सब, मैं बस अपने के लिए कह रहा हूँ, तुम कौन होते मेरे को बोलने वाले, ठीक है, बस इतनी सी बात थी। और अगर रजत दलाल तुम्हें लड़ना ही है ना तो तुम प्लीज बॉर्डर पे जाके लड़िए, यहाँ पे लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बंदे को प्लीज ये सूचक पत्र दे दे कि भाई तुम हाइट से बड़े हो चुके हो, शरीर से तगड़े हो चुके हो, पर तुम दिमाग से अभी भी बोने हो। मेरा दोस्त और रजत दलाल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बेइज्जती कराकर आ जाते हैं हर जगह, अपनी जहां पे भी जाकर लड़ते हैं, फिर उसके बाद बेइज्जती का मेडल दिलवा कर ले आते हैं अपने गले के अंदर। चलो ठीक है गाइस, फिर करते हैं वीडियो एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो कर देना लाइक, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है वीडियोस, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जरूर, और बताना मेरे को नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाएं। नेक्स्ट वीडियो अजाज खान के ऊपर बनती है शायद, जो उन्होंने कैरी मिनटी के साथ किया। अगर ये इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर मैं वो जरूर वीडियो लेकर आऊंगा, और मैं इसी के ऊपर ही आगे शुरुआत करूंगा, ठीक है। और रजत दलाल सर आपके लिए एक मैसेज है, मेरे अकाउंट की रीच बहुत डाउन जा रही है, ठीक है, तो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर लेना, ये रही मेरी ID, मैसेज भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।